नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी के शहर में हुई पत्रकार की मौत के मामले में प्रशासन जांच का आश्वासन दे रही है, लेकिन गोरखपुर में मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं निजी अस्पताल में भी डॉक्टर की लापरवाही से एक पत्रकार ने दम तोड़ दिया, जिसके चलते परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। रामपुर के विलासपुर में नवजात शिशु के शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दिन में 3 नवजात शिशु के मृत शव मिले हैं, पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। शवों का आसपास के समाज सेवी लोग नदी के पास ही गड्ढा खोदकर दफन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो बिलासपुर में कई फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, जो गर्भपात कर भांग नदी में रात के अंधेरे में फेंक रहे हैं। इस मामले की खबर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल जाँच पड़ताल जारी है। भाजपा के बरखेड़ा विधायक किशनलाल राजपूत हुए कोरोना संक्रमित। बीते दिनों सांसद वरुण गांधी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे विधायक किशनलाल राजपूत। 18 मई को सांसद वरुण गांधी पहुंचे थे पीलीभीत जनपद। शहर के गांधी स्टेडियम में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसप्शन स्वास्थ्य विभाग को सौंपने पहुंचे थे। विधायक ने 17 मई को अपनी जाँच कराई। लखनऊ लैब से आई जाँच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। श्रावस्ती जिले में भी दिखना शुरू हुआ ताउते तूफान का असर। तेज हवा के साथ बारिश से लोग परेशान। 36 घंटे से अधिक समय से जिले में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। जिले के अधिकारियों ने लोगों को ताउते तूफान से सतर्क रहने की अपील की है। एक तरफ कोविड-19 संक्रमित महामारी से गोरखपुर सहित देश दुनिया में त्राहीमाम मचा हुआ है। उधर चक्रवाती तूफान ताउते महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाया हुआ है, जिसका असर NCR सहित गोरखपुर जनपद में भी दिखाई दिया। बुधवार रिमझिम बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्रवार तक रिमझिम बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शुक्रवार को भी मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। बाराबंकी में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। धारदार हथियार के हमले से महिला गंभीर घायल हो गई। टिकैत नगर CHC पर कराई गई भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के नसीमपुर गाँव का है। मऊ जनपद में राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के सेवा भारती के स्वसेवकों द्वारा कोरोना के इस महामारी में विगत 18 दिन से लगातार जनपद के अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी वजह से जनपद के लोगों द्वारा सराहना हो रही है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से सभी खाने पीने वाली दुकानें बंद हैं, ऐसे में लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। इस दौरान इस समस्या को देखते हुए भर्ती मरीजों को और जो मरीज के तीमारदार हैं उन्हें भोजन वितरित किया जा रहा है। बाराबंकी की तहसील परिसर में बने इबादत गाह ध्वस्तीकरण मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर DM से सपा का प्रतिनिधि मंडल मिला है। कहा भाजपा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में सक्रिय है। रामसैनी घाट तहसील परिसर इबादत गृह ध्वस्तीकरण का एक पूरा मामला। तहसील परिसर में बने इबादत गाह को हटाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मौके पर कांग्रेसी नेताओं को प्रशासन ने रोका है। UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, PL पूनिया, नसीबुद्दीन सिद्दीकी को प्रशासन ने रोका। रामसैनी घाट तहसील परिसर जा रहे थे कांग्रेसी नेताओं को प्रशासन ने वापस भेज दिया है। गोरखपुर समूह की महिला प्रमिला यादव ने जैविक खेती कर मिसाल पेश की है। जमीन में खतरनाक रासायनिक पदार्थ नहीं जाने से शरीर कई प्रकार के खतरनाक बीमारियों से बचता है, क्योंकि जब रासायनिक पदार्थों का उपयोग खेती उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो पैदावार के लालच में किसान ये भूल जाते हैं कि उनकी जमीन की उर्वर क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। शुरू में तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग काफी अच्छा उत्पादन होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे इससे जमीन की उर्वर क्षमता कम होने लगती है और इसके साथ ही उत्पादन कम हो जाता है, जिससे कि आगे चलकर किसानों को काफी नुकसान होता है। बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ATM में कैश रखने के बाद ATM को लॉक करना भूल गए बैंक के कर्मचारी। बरेली के बड़ा बाजार स्थित ATM का यह पूरा मामला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के लिए SP अभिनंदन ने जनपद में तैनात और पुलिस लाइन में रह रहे 8 SEO, 2 हेड कांस्टेबल और 1 महिला कांस्टेबल के कार्यक्षेत्रों में परिवर्तन किया है। सभी कार्यक्षेत्रों में परिवर्तन। पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी ज्वाइन करने का भी आदेश दिया गया। कुशीनगर में नगर पंचायत सेवहरी के प्रांगण में सफाई कर्मचारी कई दिनों से अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर नगर में कूड़ों की ढेर लग गई है। आमजन नगरवासी काफी परेशान हैं। सफाई कर्मचारी की समस्या को बारे में जानने के लिए व्यापार मंडल अध्यक्ष पप्पू जायसवाल पहुंचकर उनकी समस्या सुनते हुए नजर आए। कर्मचारियों ने बताया कि काफी वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं और जिसका PF का पैसा संबंधित ठेकेदार द्वारा खाते में नहीं भेजा गया। बार बार कहने पर टालमटोल किया जाता है। इसी समस्या को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बरेली में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश दिल्ली, मुंबई, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में भी असर दिखाने लगी है, जहां पर पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव हो गया है। आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में व्यापारियों ने कोरोना महामारी के सुधरते हालातों को देखते हुए
24 मई के बाद लॉकडाउन को न बढ़ाने की मांग की है। व्यापार मंडल के लोगों का कहना है कि व्यापारी और दुकानदारों को अपने परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन से मिडिल क्लास व्यापारी अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। लगातार बढ़ रहे लॉकडाउन से व्यापारी समाज में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते उन्हें रोजी रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है और इस आर्थिक तंगी को देखते हुए व्यापारियों का मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 25 मई से संपूर्ण बाजारों को कुछ समय के लिए अनिवार्य रूप से खोलने की घोषणा की जाए। इसी के चलते उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। एसपी के निर्देशन में कंज गोतवाल रामवीर सिंह की सख्त कार्रवाई की गई है। छापेमारी अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर भारी मात्रा में मौत का मांझा बरामद किया है। आरोपी विक्रेता भी कानून के सिकंजे फंसे हैं। साथ ही पुलिस की चेतावनी ये हुई है कि बेचने वालों के साथ चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों की भी खैर नहीं है। आपको बता दें कि छतों से मांझा खींचकर पुलिस लेकर आई है और लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।